19 जनवरी 2020 को हो रहे मानव श्रृंखला में शामिल होने से बहिष्कार करने को लेकर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के प्रखंड अध्यक्ष सागर कुमार ने सैकड़ों शिक्षक के साथ आवेदन दिया। श्री सागर द्वारा दिए आवेदन में कहा है कि नियोजित शिक्षकों की अनेकों मांग बिहार सरकार के समक्ष वर्षों से लंबित है। मांगों की पूर्ति है तो शिक्षक आंदोलनरत है, लेकिन सरकार शिक्षकों की मांगों के प्रति संवेदनशील दिखाई नहीं पड़ रही है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने बिहार सरकार को लिखित सूचना दे दी है कि यदि सरकार सामान वेतन मान पेंशन सेवा शर्त इत्यादि मुद्दों पर संघीय पदाधिकारी के साथ वार्ता नहीं करती है तो 19 जनवरी को आयोजित मानव श्रृंखला का बहिष्कार करें। उन्होंने संग्रामपुर प्रखंड के सभी शिक्षक सरकार के वार्ता नहीं होने की स्थिति में मानव श्रृंखला का बहिष्कार करेंगे, इसकी विधिवत सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दिया गया। मुंगेर जिला के संग्रामपुर से रोहित कुमार की रिपोर्ट। क्या मैटर है सर? आज का मैटर है, हम लोग बैठक किए प्रखंड समिति का, इसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि हम सभी शिक्षक गण मानव श्रृंखला के कार्यक्रम में सहभागिता नहीं देंगे, हमारी सहभागिता वहां नहीं होगी। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि हमारी जितनी भी मांगे हैं सरकार आज तक जो है ठुकरा के चली है, उसको इग्नोर कर दिया और एक सेवा शर्त में 15 ईस्वी से अभी तक लटका हुआ है, जो कि संविधान बनने में मात्र 2 वर्ष 11 महीना लगा था और इसको 4 साल में पूरा नहीं कर सका ये सरकार। तो इसका मतलब है कि वो हमको इग्नोर करती है, मैं भी सरकार को हृदय से इग्नोर करता हूँ। तो कहने का मतलब है जो आपके द्वारा सरकार से मांग वो आपका पूरा नहीं हो रहा, नहीं हुआ, इसके वजह से आप मानव श्रृंखला का जी 15 तारीख तक उनको डेडलाइन दिया गया था जी कि हमसे वार्ता करे, हमारी मांगे जो 7 सूत्री मांगे हैं उसको माने वो, लेकिन वो वार्ता भी नहीं किए ना वो जो मांगे मानने के लिए तैयार। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।